जोधपुर में अपने चुनावी जनसंपर्क के दौरे के दूसरे दिन अपनी ही जाति के समाज के प्रतिभावान विद्यार्थियों के सम्मान समारोह में शामिल होने पहुंचे अशोक गहलोत ने मंच से ही कहा, विधानसभा में माली जाति के हुए अकेले विधायक है और मुख्यमंत्री भी है। जनसभा को संबोधित करते हुए अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान का हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ाना ही उनका मकसद है। अशोक गहलोत ने कहा कि 3 बार मुख्यमंत्री बनना बड़ी बात नहीं है, बल्कि मुख्यमंत्री के 3 कार्यकाल को पूरा करना बहुत बड़ी बात है। बीजेपी चुनी हुई सरकार को गिराना चाहती है, लेकिन उनकी दाल नहीं गली। आखिरकार उनको भी पता चल गया है कि उनका पाला आखिर किससे पड़ा है। जोधपुर के माली समाज के प्रतिभावान विद्यार्थियों के सम्मान समारोह के दौरान आयोजित हुई इस जनसभा में अशोक गहलोत के इस बयान ने खूब तालियां बटोरी। माली समाज के प्रतिभावान विद्यार्थियों के सम्मान समारोह में सभा को संबोधित करते हुए अशोक गहलोत ने बीजेपी पर बहुत से तंज कसे थे। अशोक गहलोत ने यह भी कहा कि दिल्ली को भी इस बात का पूरा विश्वास है कि यह सभी जातियों और सभी धर्म के लोगों को साथ लेकर चल सकता है, इसलिए लगातार 3 बार मुख्यमंत्री की कमान इनको मिली है। साथ ही कहा कि राजनीति विकास के नाम की होनी चाहिए, ना कि धर्म के नाम की। बीजेपी धर्म के नाम की राजनीति कर रही है। राजस्थान के सरकारी स्कीमों की देश भर में चर्चा है और आने वाले समय में महिलाओं पर अधिक फोकस रहने वाला है। शिक्षा के जरिए विकास की बात करने वाले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि स्कीमों की कभी कमी नहीं होगी।